हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नए दिन की नई शुरुआत उदय बुलेट ब्लॉग के साथ में। उठ गई हूँ मैं 8 बजे से, क्योंकि पीस वाला दरवाज़ा खटखटा रहा था और पीस आ चुके हैं। कहता है कि सीज़न है, अभी रमज़ान है। नहीं समझ गए भाई, अर्जेंट बना के वो पीस देना है। ब्लॉगर भैया को कब से उठा रही कि उठ के पढ़ने बैठिया, उसका नाश्ता भी बनाना है। अब उठ के बैठा तो है पढ़ने के लिए। चलो उसका नाश्ता बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अर्जेंट पीस पड़े, बर्तन पड़े हैं, वो भी क्लीन करना है। काम पे लग जाते हैं अपने, काम के साथ मिलते हैं आपसे। ये अपने ब्लॉगर भैया के लिए बन रहा है पराठा, क्योंकि इसके एग्ज़ाम है ना। अरे पढ़ाई करते बैठा था। और अब बज रहे हैं 9:30। ये बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में लगे, क्योंकि 10वीं का सेंटर है तो स्कूल है ये लोग की लेट ना। ट्यूशन कंप्लीट हो गई? अरे बाप रे। और तेरी? अरे बाप। और नीचे इतना भैया जी चिल्ला रहा है, बंगाल वाला लेके जा दोनों को। हाँ भैया जी, ये लोग को लेके जाओ। गाइस, कल कब्रिस्तान में हम लोगों ने फ्रूटी बांटा था बच्चे लोग, तो एक बच्चा भी मंगने आया है घर पे। रात गई बात गई, पर मंगने आया है घर पे। बोलते हमने, हमको नहीं मिला हमारा हिस्सा। लड़कियां थोड़ी जाती है कब्रिस्तान। ये हाजिर जो वजीर, तो क्या बोल रही। देखो मैं बताती कौन सी लड़की। ये लड़की मंगने आई, बोलती मेरा भी हिस्सा दो, मेरे भाई का भी हिस्सा दो। भाई का नाम पे तो बांटा नहीं। दीदी नहीं, नहीं। दीदी 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 खुद को नहीं पता अपने भाई का नाम। चल चल, नहीं नहीं अपने अपने देखो, मालूम ही नहीं हम लोग को, मालूम थे भाई का नाम। नहीं जैद नहीं। चल चल, झूठी झूठी। जुबैर ए जुबैर ए जुबैर क्या नाम बोले थे यानी सबू ने? गजनी गजनी। तो कौन सी कंघा चला रही तू? कौन सा लग के वाले बाल वाले कंघा चला रही है? बता बता कंघा बता। ये तो बिल्ली कुत्ता वाले लोग की कंघा। ये हम लोग इससे तो गोल्ड स्मोकी का बाल सही करते थे। तो को मालूम फातो? अपने बाल की ऐसे कुन बालों से क्या बोलेगी फातिमा? फातिमा बोलेगी हमारे बाल इसके लिए कर ली है, किसी हम लोग बालों से। देखो ब्लॉगर भैया पेपर देके आ चुके हैं और अपने पराठे की तैयारी में। पराठा खा के गया था, फिर पराठा चाहिए इसको। हाँ म्यूजिक भी अच्छी आ रही है तेरे लिए। तो गाइस इसने अपनी रोटी बना दी है ब्लॉगर भैया ने। क्या जहरीली रोटी बनाई है बाबा, कच्ची पक्की। फिर बाद में बोलेंगे ना पेट दुख रहा है भाई, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। देख ये बच्ची बिचारी मेरे साथ काम कर रही, बोले चाची अर्जेंट पीस है ना, न पता चाची के साथ गरीब मानूस। ए तेरा तो ऐसी ज्यादा छुट्टी करेगी तो मैं नहीं देने वाली पगार भाई। देखो हाँ काम पे रखी हूँ, देखो बेटा। हाँ ये बच्ची को पगार, कल फ्रूटी बांटे ना कब्रिस्तान में, ये बच्ची को मिलेगी ना। तो गाइस यहाँ रोजा खोलने की तैयारी चालू है मेरी। देखो नूडल्स बना रही हूँ बच्चों के लिए, मैं उबाल के रखी हूँ। रोजा लग गया इसके मुंह को देखो। और यहाँ मेरा सालन पक चुका है, आज मैंने बर्ड बनाई हूँ। और यहाँ नूडल्स बन रहा है। हाँ दोस्त दोस्त फातिमा आई है, बोले क्या बना रही, खुशबू आई है। हाँ बता खुशबू आई है, मेरा काम पड़ा हुआ है। देखो इतना बनाना बाकी है, इतना बन चुका है और एक पैकेट पूरा पैकिंग पड़ा हुआ है। कभी रोज एक तैयारी करूं उसके बाद। तो गाइस यहाँ पे मेरा नूडल्स बन चुका है और तेल यहाँ गर्म हो रहा है और सालन चावल तो ऑलरेडी बन चुके हैं। यहाँ देखो भजिए की पूरी प्रिपरेशन करके रखी हूँ मैंने। तो करती हूँ सिलो और लग जाती पहले नमाज पढ़ूंगी। तेल अपना गर्म होगा, भजिए बनेगी आराम से। क्योंकि थोड़ा आधा घंटा, हाँ पौना घंटा बाद, आधा घंटा बाकी है रोज़ा खुलने के लिए। रमज़ान नहीं है, अपने नफिल रोज़े शुरू है।
तो बच्चों के साथ में हम लोगों ने भी रख दिया है, ये कपड़े लपेटना बाकी है रोज़ा खुलने के बाद। अब ताकत नहीं है, पहले नमाज़ पढ़ लूँ, भजिए बना लूँ, उसके बाद सब बात। गाइस यहाँ पे मेरे कांदे के भजिए बन रहे हुए, और ये देखो फ्रूट्स तो कट करना है मुझे सब। नमाज हो गई, अभी कांदे के भजिए तल के फिर फ्रूट काटना है, क्योंकि मोइन अभी तक आया नहीं है और उदय भी ट्यूशन में, तो इन लोग आएंगे और इसके अब्बू को तो रोज़ा लग जाता है, सर पे चढ़ जाता है रोज़ा, तो झगड़ा हो जाएगा इसके लिए भाग गए। रमज़ान में देखना इस तरह झगड़ा होता है रोज़ा खुलने के पहले हम लोग का, एकदम हाइपर रहते हैं यार, एकदम ज़्यादा ही हाइपर रहते हैं। इनका ही रोज़ा रहता है, हमारा भी तो रहता है ना रोज़ा। गाइस यहाँ रोजा खोलने की तैयारी शुरू हो गई है, बैठ गए हैं लोग, ब्लॉगर भैया भी आ गए, लोग वजू करके आइए, लड़की मेरे चेहरे पे इतना थप थप। क्या सुनाना चाहते हो आप? हाँ फातिमा जी, आप क्या सुनाना चाहते हो? ओ फातो जी अरे एक ही खजूर रखना, हाथ चला गया और मेरा रोजा खोलने के चक्कर में आइए बताइए कि उस दिन मैं रोजा खोलने में नहीं थी, मैं गई थी बांद्रा फ्लैट सायरा के साथ में। सब हो रही है सायरा पा, देखो उस दिन का भाई भी आया था ना, ये मिस कर दी थी रोजा खोलना, तो आज कहती कि मैं रोजा साथ में। तो ये कहती कि रोजा हमारे साथ में खोलेगी फातिमा, इसकी मुस्कुराहट अम्मा भी आए हैं, ये सब पलटन हमारी बैठी है रोजा खोलने। अरे बापरे मेरा दुपट्टा ओढ़ के बैठी रोजा खोलने की तैयारी अपना। अम्मा मेरे गाइस को कुछ बोलना चाहेंगे बलोची में? अम्मा बलोची में कुछ बोलेंगे? क्या बोलूं? बोलो, बहुत सुनना चाहते हैं बलोची बात लोग, बोलो। डब्बू जाने तैयारी को था, डब्बू जे डब्बू जे कलिंगड़ा तरबूसा नाया कबाबा कढ़ाई तो कच्ची है, नूडल्स नूडल्स शरबत चोकने मासक दो निश्चय बांग भी शुरू भी देखे हमारे बच्चे किस तरह हंस रहे आज बलोची बात, आज मेरी गाइस खुश हो जाएगी अम्मा वाला बलोची सुन के। अरे भजिया इधर रख दे अम्मा, हाँ सही बात है, अल्लाह को मालूम। हाँ बस दुआ करो आप सभी लोग कि हम सभी जैसे दस्तर पे बैठे हैं आते साल इंशाल्लाह हम लोग सब ऐसे ही इस दस्तर पे बैठे रहे, आमीन आमीन। और आप हर किसी का दस्तर ऐसे ही माशाल्लाह भरा हो, रमजान हो या रमजान के बाद हो, अल्लाह हर किसी को ऐसी नवाजे, आमीन आमीन। आपको मिलते हैं हम लोग रोजा खोलने के बाद। आज मेरे बलूचिस्तान के पाकिस्तान के गाइस बहुत खुश हो गए रहेंगे बलूची सुन के। देखा ना हम लोगों को थोड़ी थोड़ी आती है, पर हमारी अम्मा लोग को सबको बराबर से पूरी भाषा आती है, तो चलो रोजा खोलने के बाद मिलते हैं। तो गाइस देखो अभी केक कट होने वाला है और लेके आए हैं ये छोटे छोटे भाई लोग अपने बड़े भाई के लिए। तो ये चाची ने लाए है केक, ये छोटू मोटू भाई लोग ने लाए केक, देख रहे हम लोग केक का पूरी तैयारी में अपने। शोएब भाई तो अभी 8 दिन से होते ही रह रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे क्या बात हो, क्या हो रहा है? कट होने के पहले सबके मुंह पे केक लग रहा है, समझ गए तुम, उन्होंने खा लिया केक सब ने, क्या अरे नहीं 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 उंगली दिखाओ, किसके किसके उंगली पे केक लगेला है, तू दिखा उंगली, हाँ लगेला लगेला है इसके मुंह पे केक, अल्लाह उसकी उंगली झड़ी। अच्छा उसने भी खाई, ये तो पक्का ये क्राइम पेट्रोल में था ना, ये क्राइम पेट्रोल में था, सबूत मिला था, सबूत मिला था, साफ कर रहा है, सेट आऊंगी चार चार।
नानी ने लाई है शेप के लिए केक और काजू बादाम वाला लाई है, क्योंकि खा पी के दिमाग तो लगे काम धंधे में। अपने भाई का भाई शादी है आगे पीछे नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये दिसंबर तक भाई की भी बजाने की हम लोग को। क्या बोलते भाई? मैं बोला कभी जब दपेट में हाथ नहीं मुंह में दांत नहीं तब करेगा? कब करेगा भाई? बुढ़ा होगा जब। हाँ सब है बेटा, चलो कैंडल जल रही है अभी, मैं वही वाला कैंडल लेके लगा दो ना, एक उठा के वो कैंडल जो जल रही उसको उठा के लगा दो ना। इसके बोरे से बादाम खा बादाम खा खा जा बेटा, जो कैंडल जल कितने प्यार से जल रही है कैंडल। अब भाई अब कट डर देखो डर जाजी। जाजी। ये ना इसका दिल गिर जाता स्पेशल है। मार के बाप को मार। अरे लोग गंजा कर रहे हैं। हाँ बच्चे लोग का देंगे। बोरिया दी बोले गाइस, मेरे ये पीस अभी भी पड़े हुए हैं और वो पीस लेने आया था, तो पीस वाला पीस लेने आया था, कहने लगा कि मुझे पीस पूरे दे दो। अरे बनेंगे तो देंगे ना, इधर रोजा रख के किससे काम नहीं होता। अरे गिर जाएगी देखो डॉक्टर भैया की टोपी पहन के इतरा रही है और जूस पी रही है, पता इतनी खांसी हो रही, इतनी खांसी हो रही है लड़की को और पूरा जूस मेरे कपड़े पी रहा है। देखे 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 अल्लाह फातिमा छी देखो कपड़े गंदा कर रही है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में। और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाना कि आपको हमारे नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे बहुत धमाल चौकड़ी है, अभी घर में शादी चालू होने वाली, शादी कितने दिन बाकी है? 15 को हमारे घर में शादी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें हमारे आगे की ब्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।